मैं पहले वेल्डिंग का काम करता था और अब्बू के साथ समोसे पकौड़ों का काम जलेबी भी करता था। न्यूज़ के जरिए मुझे पता चला था कि इधर ट्रायल हो रहे हैं। मुझे देखते ही उन्होंने कहा आप मलिंगा स्टाइल में बॉलिंग करते हो, स्कोर जितने बॉलर फास्ट थे सबसे मुझे काम लगा था, बाबर आजम को आउट करना चाहेंगे उसके बाद कुछ नया सोचेंगे। नया दौर स्पोर्ट्स में खुश आमदीद, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। ज़मान खान, फिर उसके बाद जल्लाद खान, फिर उसके बाद मोहम्मद तैयब, मलंगा स्टाइल रखने वाले तीसरे फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर में शामिल हो चुके हैं और इस मरतबा वो प्लेयर्स एमर्जिंग के तौर पर PSL में शामिल होंगे लाहौर कलंदर की जानिब से। उनसे बात करते हैं। तैयब भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और लाहौर कलंदर में कैसे आना हुआ? मेरा नाम तैयब आस है, मैं मतलब जंग के रहशी हूँ, जंग पिंड से हूँ। तो मैं काम करता था उसाका फैक्ट्री में, बैटरी जो बैटरी बनती उधर। तो उधर न्यूज़ के ज़रिए मुझे पता चला था कि इधर ट्रायल हो रहे हैं। ट्रायलों पे आया था तो उधर डैरन गॉफ आए हुए थे और सर आकिब थे, सर समीम थे, सर आतफ राणा थे। उन्होंने मुझे देखा था और मैं मुझे देखते ही उन्होंने कहा आप मलिंगा स्टाइल में बॉलिंग करते हो, तो आप मतलब दो तीन राउंड उन्होंने मुझे खिलाए, उसके बाद फाइनली मुझे सिलेक्ट किया था 2022 के जो ट्रायल हुए थे उनमें। तो उसके बाद अभी 2 साल हमने इधर ट्रेनिंग की है। उसके बाद हम जिम्बाब्वे T10 लीग खेली थी, उधर हम लोग फाइनल जीते थे। उसके बाद अभी अल्लाह के फजल करम से PSL में नाम आया है। PSL इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरह से आपने बताया कि आप उसाका फैक्ट्री में काम करते थे, ख़ानदानी तौर पे, फैमिली तौर पे आप थोड़ा बहुत बताइएगा कि कितना मतलब कि किस आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड में हमारा इतना मतलब खास तो नहीं है, लेकिन हमारा जो है, मैं पहले वेल्डिंग का काम करता था और अब्बू के साथ समोसे पकौड़ों का काम जलेबी का करता था। तो उसके बाद मैं मतलब साथ में पिंड में क्रिकेट भी खेला करता था, टेप बॉल। तो वहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था, हमारे यहाँ पिंड के टूर्नामेंट होते हैं पंजाब ECC के, वहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था। वहाँ पर मैंने खूब सिराना मुर्तज़ा आए हुए थे जंग से, उनका शालीमार क्लब है, शेख नवाज अकरम में वो MPM है, उनका वो हमारे ऑनर हैं। तो उन्होंने राणा मुर्तज़ा ने हमने देखा तो उसने हमने शहर में क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद मतलब मैं कभी कहीं किसी शहर में खेलता था टेप बॉल, तो उस वक्त मैं टेप बॉल ही खेल रहा था। जब इधर ट्रायलों पे आया था मैं टेप बॉल खेलते खेलते इधर चला गया। तो जिस वक्त मैंने ट्रायल दिए थे उस वक्त मेरे पास ग्रिपर थे, स्पाइक्स भी नहीं थे, ग्रिपरों में मैंने ट्रायल दिए थे क्योंकि मैंने कभी स्पाइक्स यूज़ ही नहीं किए थे। तो कितना पुर उम्मीद है कि ये जो आपकी स्ट्रगल है, समोसे पकौड़े, उसाका फैक्ट्री में काम, फिर उसके बाद वेल्डिंग का काम करते करते अभी आप लाहौर कलंदर और पाकिस्तान के सबसे बड़े जो मेला क्रिकेट मेला है उसमें आप खेलने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपको अभी? उम्मीदें अभी, पहले तो हमने जिम्बाब्वे लीग खेली, उसमें मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कितना विकेटें आपने हासिल किया? क्या वहाँ पर मैंने 4 मैच खेले थे, 4 मैचों में मेरी 5 विकेटें थी और स्कोर जितने बॉलर फास्ट थे सबसे मुझे काम लगा था। अभी इधर PSL 9 में तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने जाएंगे, बकाया देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? अच्छा, आप लाहौर कलंदर की जानिब से खेल रहे हैं, दीगर 5 टीमें भी हैं, कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है जिसको आप आउट करना चाहते हैं, एक ड्रीम विकेट जिसे कह सकते हैं? वो तो जहर सी बात है, हम पहले तो बाबर आजम को आउट करना चाहेंगे उसके बाद कुछ नया सोचेंगे। बाबर आजम को लाजमी, बाबर आजम कोई और भी प्लेयर तो हैं जैसे साइम अयूब हो गया या दूसरी टीम में जितने मोहम्मद रिजवान या दूसरे हैं? नहीं, मैं अभी तो यही टारगेट है मेरा बाबर आजम का, उसके बाद अभी कोई नया बाद में सोचेंगे। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है जिसको देख के आप क्रिकेट में आए थे? फेवरेट प्लेयर पहले मतलब अभी तो मैं फ़खर भाई को बैटिंग में लाइक करता हूँ, तो पहले से ही शुरू से ही। उसके बाद बॉलिंग में ज़मान खान है, उनको लाइक करता हूँ। ये तो अभी आपके साथ है ना, लेकिन बचपन किस को देख के गुजरा है? जिस तरह से हमारे यहाँ बचपन में तो हमारे यहाँ पिंड में तो मतलब ज़्यादा इतना उस वक्त ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, मतलब देख रहे TV पर मैच, लेकिन उस वक्त मेरे मामू क्रिकेट खेला करते थे और मेरे दोस्त, मैं उनके साथ क्रिकेट खेला था, उनके साथ खेलते खेलते मुझे शौक लग गया। उसके बाद फ़खर भाई को देखा तो उनको बैट्समैन मुझे वही पसंद थे। बहुत शुक्रिया तैयब अब्बास, बेस्ट ऑफ लक, आपको कामयाब रहें, मेहनत करते रहें, बहुत शुक्रिया। ये थे लाहौर कलंदर के अमर्जिंग प्लेयर तैयब अब्बास, जो कि लाहौर कलंदर की जानिब से PSL 9 2024 में लाहौर कलंदर की जानिब से खेलेंगे
और शायकीन क्रिकेट को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे और बाबर आजम की ये विकेट लेना चाहते हैं। जी